हेलो वर्मा जी। जी नमस्कार वर्मा जी। जी वर्मा जी, जरूर आऊंगा वर्मा जी, 100%। जी सब परिवार। जी जी नमस्कार। नमस्कार वर्मा जी। अच्छा, वर्मा जी का फोन था। क्या कह रहे थे? हम घर में कल शाम को दावा दे रहे हैं। सभी को बुलाया है क्या? अच्छा, हाँ, सभी को जाना है। ये देखिए, इसमें एक विज्ञापन आया है जिसपे सब खरीदारी पे 30% की छूट मिल रही है। आप कह रहे थे ना कि खरीदारी करने जाना है। अरे जरा दिखाओ। अरे हाँ, इस विज्ञापन में तो 30% की छूट है, और यहाँ दूसरी कंपनी एक कमीज खरीदने पर दूसरी कमीज मुफ्त दे रही है। पापा, हाँ बेटा। अभी वर्मा अंकल से बात करते हुए आप कह रहे थे कि मैं 100% आऊंगा और कपड़ों पर भी 30% की छूट की बात कर रहे हैं। ये प्रतिशत क्या होता है? अरे रोहित बेटा, भरमाई से बात करते हुए जब मैं बोल रहा था कि 100% आऊंगा, वो बात करने का एक तरीका था। मैं जरूर आऊंगा, 100% आऊंगा, इसका मतलब कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बारे में बेटा तुम तभी समझ सकते हो जब प्रतिशत का तुम मतलब जानोगे। प्रतिशत को फीसद या फीसदी कहते हैं, अंग्रेजी में परसेंटेज होता है। अरे हाँ, मेरा एक दोस्त भी बात बात में कहता है मैं 100% सच बोल रहा हूँ, जबकि ज्यादातर झूठ ही बोलता है। लेकिन तुम ऐसा मत करना। नहीं पापा, देखो रोहित, प्रतिशत को समझने के लिए उसका मतलब जानना जरूरी है। प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 पर या हर 100 पर। मान लो अगर कोई चीज का दाम 100 रुपये है और उस पर 30% छूट है, इसका मतलब उसका दाम 30 रुपये कम हो जाएगा। यानी अगर हम 100 में से 30 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 70 रुपए। अरे जरा देखना। लेकिन अगर कोई चीज 200 रुपये की है तो इसका मतलब उस पर 30% की छूट है, तो वो चीज 200 घटा 60 140 रुपये की हो जाएगी। वो कैसे पापा? देखो 200 100 रुपये का दुगना होता है, और अगर 100 रुपये पर 30% की छूट है और 30 रुपये कम हो जाएंगे, इसका मतलब 200 रुपये पर 30 गुणा 2 यानी 60 रुपये कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसका मतलब बेटा, यदि मान लो कोई चीज 300 रुपये की है, इसका मतलब वो 100 का तिगुना है। उस पर 30% की छूट है, इसका मतलब 300 रुपये पर 30 गुणा 3 यानी 90 रुपये की छूट हो जाएगी। यानी उसका दाम 300 घटा 90। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ 300 रुपए की है और उस पर 30% की छूट है तो वो चीज़ 300 घटा 90 यानी 210 रुपए की हो गई। रोहित रोहित, देखो मैं तुम्हारे लिए बिस्किट का पैकेट लाई हूँ। पापा पापा जानते हैं पैकेट कितने का मिला? पैकेट नहीं बेटा, बैठो। था 20 रुपए का, उसमें 20% की छूट मिली, तो बताओ कितने का पड़ा? रोहित तुम बताओ। दीदी एक बार फिर बताओ कितने का पैकेट था और कितने परसेंट उसमें छूट मिली? पैकेट था 20 रुपए का और उसमें 20% की छूट मिली, तो बताओ कितने का मिला? 100 रुपए पर। छूट 20 रुपए की, तो 1 रुपए पर हुई छूट 20/100 रुपए की, तो 20 रुपए पर हुई 20/100 × 20 रुपए की बराबर 4 रुपए। यह पैकेट हुआ 20 × 4 यानी 16 रुपए का। क्यों दीदी? बिल्कुल ठीक। लगता है रोहित को प्रतिशत समझ में आने लगा है। पापा अब मैं रोहित से कुछ सवाल पूछती हूँ। मेरे भाई ये बताओ, 224 का 25% कितना होता है? 100 पर बराबर 25, 1 पर बराबर 25/100, 224 पर 25/100 × 224
बराबर 56। अच्छा, अब 625 का 8% निकालो तो 100 पर बराबर 8, 1 पर बराबर 8/100। 625 पर 8/100 गुना 625 बराबर 50। बिल्कुल सही आ रहा है मेरे भाई। अच्छा रोहित, ये बताओ, बिस्किट का पैकेट 150 ग्राम का आता है और 20% और फ्री दिया जाता है, तो बताओ बिस्किट का पैकेट कितने ग्राम का हो जाएगा? पापा, अभी तक तो छूट या फिर प्रतिशत निकालने की बात चल रही थी, ये तो बढ़ाने की बात हो गई। तो क्या हुआ, जिस तरह प्रतिशत को कम करते हैं उसी तरह बढ़ा भी देना। ठीक है, 100 ग्राम पर 20 ग्राम फ्री, तो 1 ग्राम पर बराबर 20/100, तो 150 ग्राम पर बराबर 20/100 गुना 150 बराबर 30 बराबर 150 जमा 30 बराबर 180 ग्राम। बिल्कुल सही बेटा, बाकी सारे सवाल जवाब आने के बाद करना। चलो सब माँ के चलते हैं, जल्दी जल्दी चलो। चलो भाई चलो, चलते हैं। अरे भाई, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि एक कमीज के साथ दूसरी कमीज मुफ्त मिली। आज मार्केट में बहुत मजा आया। हाँ हाँ, सच्ची में बहुत मजा आया पापा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, आइटम के हिसाब से दाम 280 रुपए आ रहा था, लेकिन आपने 315 रुपए क्यों दे दिए? और रोहित, तुम्हें समझाता हूँ। 280 रुपए में तो चीजों के दाम थे, पर उसमें 35 रुपए सर्विस टैक्स लगा। सर्विस टैक्स, ये किस हिसाब से पड़ता है? ये भी प्रतिशत के हिसाब से ही लगता है। अब लगा लो हिसाब, 280 रुपए में सर्विस टैक्स लगा 35 रुपए, तो कितना प्रतिशत सर्विस टैक्स लगा? नहीं समझ आ रहा। अरे भाई, ये तो बहुत आसान है। नेहा जी। पापा। बेटा, जरा रोहित को हिसाब लगाने में मदद करो। बताओ रोहित। दीदी, 280 रुपए में 35 रुपए सर्विस टैक्स है, तो कितने प्रतिशत सर्विस टैक्स लगा? अरे बहुत आसान है, 280 रुपए पर 35 रुपए है, तो इसे निकाल लो। 100 रुपए पर कितने होंगे, वही प्रतिशत होगा। भूल गए, प्रतिशत का मतलब होता है हर 100 पर। 280 रुपए पर 35 रुपए, 1 रुपए पर सर्विस टैक्स बराबर 35/280, 100 रुपए पर सर्विस टैक्स बराबर 35/280 गुना 100, 7 5 35, 7 4 28, 2 2 4, 2 5 10, 5 × 5 = 25 / 2 बराबर 12.5%। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक बात और बताओ, पापा ने एक शर्ट खरीदी थी तो उन्हें एक शर्ट फ्री मिली थी, तो बताओ कितने प्रतिशत की छूट मिली? इसमें प्रतिशत कहाँ से आ गया? देखो रोहित, इसको कुछ इस तरह समझो, देखो ये पहला गोदा, अगर मैं तुमसे पूछूं ये कितना भरा है तो क्या जवाब दोगे?
ये तो खाली है। अरे ये 0% भरा है। अब देखो दूसरा गोला, ठीक आधा भरा है। तुम बताओ ये कितने प्रतिशत भरा है? कितने प्रतिशत मतलब? देखो रोहित, पूरे गोले को अगर 100 मान ले तो उसका आधा हिस्सा भरा हुआ है। हाँ, ये तो 100 का आधा 50% भरा है। बिल्कुल सही, इसलिए आधे को हम यदि 50% कहते हैं और 1/4 को 25% कहते हैं। इस तरह से देखते हैं, 100/2 यानी 50, 50% 50/100 यानी 1/2 यानी आधा। 25% का मतलब 25/100 यानी 1/4 यानी 1/4। इसका मतलब ये देखो, पूरा गोला यानी 100% भरा। तो इसका मतलब कि ये पूरा भरा गोला 100% भरा है। हाँ, जब कोई चीज बिल्कुल पूरी पूरी भरी होती है तो उसे 100% कहते हैं। जब मैं वर्माई से कह रहा था कि मैं 100% आऊंगा यानी बिल्कुल आऊंगा, तो इसका मतलब एक शर्त के साथ, एक शर्त फ्री, तो इसका मतलब 100% चीज फ्री। बिल्कुल ठीक बात, एक शर्त के साथ एक शर्त फ्री का मतलब 100% छूट मिली। पापा, प्रतिशत का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ किया जाता है? देखो रोहित, रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें हमने आज सीखी उसमें तो प्रतिशत का इस्तेमाल होता ही है। प्रतिशत का इस्तेमाल को टैक्स की गणना के लिए भी किया जाता है, जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स या वैल्यू एडेड सर्विसेज। और हाँ, प्रतिशत का इस्तेमाल बैंकों की ब्याज दर के लिए भी होता है। हाँ, मैंने अक्सर बैंक के एड्स में देखा है 9% ब्याज दर या फिर 8.5% ब्याज दर। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम दोनों और बाकी सभी यदि प्रतिशत में लिखा कुछ भी देखोगे तो उसका मतलब समझ जाओगे। 100% पापा।